पजामा पहनना है, पजामा याद रखना पड़ रहा। साला इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि रेस्टोरेंट तभी एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि टर्मिनल घूमने के लिए टाइम लग रहा, ऊपर कहाँ से जाऊँ। पार्किंग का 3 फ्लोर का पार्किंग ही रख दिया मैंने, पहचान में आया, उधर से आया था मैं, आया आया। बहुत बड़ा है भाई, मेरे पास आराम से 1-2 घंटा है, आराम से अपन टाइम निकाल के। और शॉर्ट्स पहन के आया हुआ है, पजामा खरीदूंगा भाई थोड़ी देर, चेंज हो गया यहाँ से अंदर जाने का, चलते हैं अंदर। तो भाइयों देख लो, बॉम्बे का एयरपोर्ट कुछ इस तरीके से है। 1 किलोमीटर में ऑलरेडी चल चुका हूँ, मेरे को लग रहा है कि अभी 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा मेरे बोर्डिंग गेट तक। तो ऐसा कुछ व्यू है, और बहुत जल्दी 2-3 घंटे पहले आ गया मैं। तो बोर्डिंग पास टिकट विकट कलेक्ट करते हैं, और वॉशरूम में जाके पजामा पहनना भाई, चेंज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ से अपन को कलेक्ट करना है बोर्डिंग पास, बोर्डिंग गेट। सबसे पहले तो भाई जब पजामा चेंज करना है, सब शॉर्ट्स में ऐसे देख रहे कि हालांकि धुंध ज़्यादा हुआ है। वॉशरूम तो हमें भाई चेंज करना पड़ेगा, ये बढ़िया है यार, मिरर मिरर इन्फिनिटीज मिरर। शुद्ध ऐसा कि आप देख रहे हो, पजामा पहन लिया मैंने शॉर्ट्स चेंज करके, लेट्स गो। अब वेट करेंगे 12:20 तक, 1 घंटा में वो रेस्ट, उसके 1 घंटे बाद में वो बोर्डिंग पास मिलेगा। तो 2 घंटे इस जगह बैठ के करूँ क्या, हमको वहाँ जाने के लिए भी मेरे को 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से मेरे को मिलेगा बोर्डिंग पास, फिर होगा सिक्योरिटी चेक। तो वो बोल रहा है कि भैया अभी वेट करो, आपसे पहले वाली फ्लाइट है उनका अभी शो करूँगा। तो भाई इतना लास्ट जयपुर आ रहे हैं अपन, 1 हफ्ते तक रहा बॉम्बे, अब जयपुर आ रहे हैं बॉम्बे एयरपोर्ट। भाई जयपुर एयरपोर्ट से तो ट्रिपल बड़ा है भाई, वॉशरूम वाशरूम क्लियरिटी तो बहुत सही है। और इसके 1 फ्लोर पे तो भाई टैक्सी, दूसरे फ्लोर पे कैब, उसके बाद फोटो, और फिर डिपार्चर का अलग है, अराइवल का अलग है, पता नहीं भाई बहुत बड़ा है। तो अभी तक 2 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं अंदर आने के बाद भी। अब यहाँ बैठ के ब्लॉग शूट करने के अलावा क्या करूँ मैं। फाइनली बोर्डिंग पास आ गया भाई अपने पास, और ऊपर जाओ फिर ऊपर पास नीचे। ऊपर से सही में ये मेरे को किया किया अडानी लग रही थी, वो खड़ी कैसे भाई। एयरपोर्ट तो बहुत सेक्सी बना रखा है भाई, बहुत सेक्सी एयरपोर्ट बना रखा है, नकली लग रहे भाई ये एयरपोर्ट को। भाई शोरूम देख के मन चल रहा है कि भाई कुछ तो कुछ उठा लूँ, लेकिन ये साले बाहर के रेट पे डबल डबल महंगे बोलते हैं ना, डबल महंगे। अभी इसका है भाई गया, उसके बाद वो गया, तो भाई बहुत एक्सपेंसिव एक्सट्रीम एक्सपेंसिव चीज़ है यहाँ तो। एक पेन भी लोगे ना वो भी 500 रुपये से चालू होगा। KFC भी चालू हो गया बॉम्बे, स्मोकिंग रूम अपन रुकते नहीं है। फीमेल्स का भी ज़्यादा लग रहा है, मेरे मेल्स का कम लग रहा है। तो फाइनली बोर्डिंग के पास आ गए, कम से कम 2 किलोमीटर तक ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गए भाई। बहुत सेक्सी और बहुत ग्रीनरी है एयरपोर्ट है भाई, बहुत ही ग्रीनरी है। अडानी ने जितने भी एयरपोर्ट अंडर में लिए ना, सब एयरपोर्ट को ऐसा सही बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में बारिश के टाइम पता नहीं पानी कैसे लीक हो गया भाई, लेकिन बहुत सही है, बहुत सही एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो भाई वो मेरे को बोल रहा था लेने के लिए कुछ, वो जो ब्लॉगर फूड कोर्ट हो पानी KFC क्या लुक आ रहा है। ये जयपुर एयरपोर्ट को ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, या बॉम्बे में मिलेगा या दिल्ली वाले में मिलेगा।
व्यूज़ देखो भाई, ऐसा कुछ भी आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है। और मेरा एयरप्लेन अभी क्राफ्ट शायद मेरा वो वाला है, आई थिंक ये वाला है मेरा, बाकी सब एयर इंडिया है। अपना है एयर इंडियन एक्सप्रेस, गेट पे ढूंढते वाले वहाँ चलते हैं। ये तो सही लगा भाई, हेरिटेज लुक ये बढ़िया लग रहा है, अलग ही आर्टिफिशियल है। अडानी सरका लोगन पर बहुत सही बना रहेगा यार, पता नहीं कितना गेट कितना आगे आएगा अभी, और कितना आगे चलना पड़ेगा भाई। मैं ये भाई बॉम्बे एयरपोर्ट के नज़ारे देखो तो, क्या नज़ारे भाई, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये पहली बार आ गया ना, खो जाए भाई। क्या मूर्ति लग रही भाई, क्या यही क्या क्या है ये एयरपोर्ट की, चेक इन कर लो भाई, कैसा थोड़ा पाव 110 का है। इडली सांभर है क्या? इडली सांभर कितने का है? इडली सांभर कितने का है? इडली सांभर क्या सर? इडली सांभर फोर प्लेट इडली हाउ मच? 220 ठीक है, एक प्लेट का। हाँ बैठ के खाने का उधर, तो आप सर्व करोगे या फिर मैं लेकर? हाँ आप सर्व कर दोगे? अच्छा तो मैंने 9 बजे खाया था, लेकिन भूख लग रही है तो खा सकते हैं, अब इसके बाद नहीं खाना चाहिए, 6 बजे खाऊंगा। तो भाई ये एयरपोर्ट की एक्चुअल अभी तक नहीं हुई, मेन रोड दिखने लग गई। दिसंबर आएंगे, भूख लग रही है। कैसा लग रहा है आपका भाई? हिम्मत करके लॉग शूट कर रहा हूँ उसी में, तो 1 घंटे तक करूँ क्या? यहाँ एसी की कूलिंग थोड़ी कम हो रही है इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में जैसे एयरपोर्ट का एंड आ रहा है, एयरपोर्ट का जैसे जैसे एंड आ रहा था, एसी की भी कंडीशन भाई कूलिंग बहुत धीरे धीरे कूलिंग हो रही है। और ये बाहर का व्यू देखो कुछ ऐसा है भाई, ये इतना, ये वाला पीछे वाला इतना लंबा है ना भाई, अप्रॉक्सीमेटली पूरा एयरपोर्ट कवर करने का जहाँ तक मेरे को लगता है ना भाई, 10 किलोमीटर तो आपको पूरा एयरपोर्ट कवर करने में लग जाएगा। पता नहीं कितने फ्लोर है, 4-5 तो भाई पार्किंग के फ्लोर है इसमें। 220 प्लस में भाई इतना इडली रहा है ये है एयरपोर्ट के नज़ारे भाई। एयरपोर्ट में अगर खा रहे हो तो 300 रुपये से नीचे कुछ आइटम मिलेगा नहीं। और इडली की साइज देखो, इडली की साइज बहुत बड़ी है भाई, इसलिए पैसे ले रहा है। तो भाई जितनी बड़ी इडली है ना भाई, उतना ही कम सांभर दिया है इन्होंने, तो सांभर तो मैंने रिफिल करा लिया, क्योंकि भाई मैंने बोला इडली इतनी बड़ी है तो सांभर इतने में होगा नहीं, अब पूरा भरा के लेके आया सांभर भाई। ये पेमेंट दे रहे हो तो सही तो खाए ना भाई, सही टेस्ट। ये थोड़ा बहुत वॉशरूम सही है भाई, पहले वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस से सर अभी भी सही आ रहा हूँ, क्या लग रहा है
भाई जयपुर एयरपोर्ट से निकल रहा टाइम मेरे को क्या दिखा बॉलीवुड सेलिब्रिटी गोविंदा ये रे सर मैंने फोटो खिंचा लिया वीडियो बनाया सेलिब्रिटी ऑफ जयपुर का भाई जयपुर एयरपोर्ट पे बॉम्बे एयरपोर्ट पे भी सेलिब्रिटी मिला जयपुर एयरपोर्ट पे मिला भाई।